हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन. दिस इज एपिसोड 34 ऑफ लीगल न्यूज एंड अपडेट सीरीज. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा दैट किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इज परमिसिबल अंडर लॉ. यानी कि फूड पर्पसेस के लिए एनिमल्स को मारना, उनका कंजम्पशन करना, ये लीगली परमिसिबल है. लॉ द्वारा ये परमिट किया हुआ है. सो द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिसमिस्ड द प्ली विच वॉज सीकिंग टू कर्ब द किलिंग ऑफ एनिमल्स. एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लाई गई थी कि ये कहके कि जो एनिमल्स किलिंग है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, उसको कर्ब कर दिया जाए, उसको रोका जाए, एंड वी शुड रादर स्विच टू लैब जनरेटेड मीट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. हमें लैब जनरेटेड मीट की तरफ स्विच करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. ये जो पिटीशन सुनी जा रही थी दैट वॉज बाय द बेंच ऑफ जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस BV नागरत्ना. तो उन्होंने पिटिशनर को इस केस में, पहली बात तो उनकी ये जो प्ली थी उसे डिसमिस कर दिया, प्लस पिटिशनर को ये लिबर्टी दी कि आप अपनी ये जो प्ली है इसे विदड्रॉ करें आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ वाइल. अब देखते हैं कि इस हियरिंग के दौरान जो जस्टिसेस थे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की. सो जस्टिस जोसेफ पॉइंटेड आउट दैट द स्टैट्यूट दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट इटसेल्फ परमिट्स द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. जो हमारा इससे रिलेटेड क्रूशियल लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, वो खुद में एनिमल किलिंग को परमिट करता है फूड कंजम्पशन पर्पसेस के लिए. सो हाउ कैन देयर बी अ पॉलिसी कॉन्ट्ररी टू द लेजिस्लेशन. तो जज ने कहा कि हम ऐसी कोई पॉलिसी कैसे इंट्रोड्यूस कर दे जो कि लॉ लेजिस्लेशन के कॉन्ट्ररी हो, लेजिस्लेशन के वायलेटिव हो. कोर्ट ने कहा योर प्रिंसिपल ग्राउंड इज दैट देयर शुडंट बी एनी क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स. आपका ग्राउंड क्या है इस पिटीशन का, यही तो कह रहे हो आप कि एनिमल क्रूएल्टी को नहीं होनी चाहिए या उसको रोकथाम लगाना चाहिए. बट इन लॉ दिस कम्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट. लेकिन लॉ के परव्यू में तो ये एक लेजिस्लेशन में कवर हो रहा है, वैलिडली कवर हो रहा है. इसका अगर हम सेक्शन 11 देखें दैट टॉक्स अबाउट ट्रीटिंग एनिमल्स क्रूली, परमिट्स ईटिंग. What are you asking the court? कोर्ट ने कहा जब ये चीज ऑलरेडी लॉ के द्वारा परमिसेबल है, ये चीज जस्टिफाइड है, फिर आप कोर्ट से क्या मांग रहे हो. कैन द गवर्नमेंट फ्रेम अ पॉलिसी विच इज कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टिंग लॉ. कि क्या गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लॉ के कॉन्ट्ररी हो, एग्जिस्टिंग लॉ के वायलेटिव हो. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू अ स्टैट्यूट. ऑल्सो जस्टिस नागरत्ना ने कहा दैट considering the larger population in the country, consumption of meat can't be banned. We all know कि बहुत हमारी white population meat consumption करती है, उनके appetite का part है इस आहार को लेना. और considering the large population of our country, हम meat consumption को ban नहीं कर सकते हैं. So इस पर petitioner ने अपना clarification दिया. यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि meat consumption को ban कर दिया जाए, rather I am asking कि हमें alternative sources या alternative options के towards switch करना चाहिए. Here the court asked whose fundamental rights were affected फॉर द पिटिशनर टू मूव अ प्ली. कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा कि इसमें किसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है जो आप आर्टिकल 32 का यूज करके यहां पे आए हो. बेंच ने कहा कि हम आपको सजेस्ट करते हैं कि बेहतर होगा कि आप अपनी पिटिशन को विदड्रॉ कर ले, इसे वापस ले ले. तो अल्टीमेटली कोर्ट ने केस में कहा कि किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड कंजम्पशन इज परमिसेबल अंडर द लॉज ऑफ आर कंट्री. और इस केस का टाइटल था सचिन गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज एंड अपडेट. आई होप द न्यूज हैज बीन क्लियर. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.